आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। बंगाल चुनाव में कांग्रेस टीएमसी और बीजेपी दोनों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने अभी से दावा करना शुरू कर दिया है कि चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी ममता बनर्जी को सरकार बनाने में सहयोग कर सकती है। बंगाल के मालदा दक्षिण से लोकसभा सांसद अबू हसीम खान चौधरी का कहना है कि उनकी पार्टी टीएमसी को उसके बर्ताव की वजह से पसंद नहीं करती है, लेकिन ममता बनर्जी पार्टी सांप्रदायिक नहीं है। गौरतलब है कि बंगाल में कांग्रेस इस बार लेफ्ट फ्रंट के साथ साथ मुसलमानों के धार्मिक नेता और फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। मालदा दक्षिण के कांग्रेस सांसद और बुजुर्ग नेता अबू हसीम खान चौधरी ने चुनाव से काफी पहले ही बंगाल के मतदाताओं के सामने पार्टी की संभावित रणनीति को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनती है तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए टीएमसी को समर्थन दे सकते हैं। ये मेरी निजी राय है, इसके पीछे दार्शनिक कारण है। उन्होंने अपने नजरिए का और भी खुलासा करते हुए बताया कि हम टीएमसी को पसंद नहीं करते कांग्रेस के प्रति उनके बर्ताव की वजह से, लेकिन टीएमसी सांप्रदायिक नहीं है। हालांकि फिलहाल उन्होंने इसे निजी राय बताकर पार्टी नेताओं को चुनाव के दौरान होने वाली फजीहत से भी बचाने की कोशिश की है, खासकर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को, जो वहां सत्ताधारी दल के खिलाफ पार्टी की ओर से सबसे आक्रामक रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी बंगाल में ममता बनर्जी का साथ देते हैं या नहीं, ये तो फिलहाल आने वाला चुनावी वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।